अंकित ने सुनाया स्ट्रगल के दिनों का किस्सा, बताया जर्नलिस्ट पूछते थे ऐसे सवाल। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 में अंकित गुप्ता बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। टीवी सीरियल उड़ारिया में वो फतेह के किरदार में नजर आए थे, जहां उन्हें टीवी के दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि जब अंकित गुप्ता स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्हें दिन दिन भर ऑडिशन की लाइन में खड़े रहना पड़ता था। कई ऑडिशन में उन्हें रिजेक्ट भी किया गया, लेकिन फाइनली वो टीवी सीरियल उड़ारिया के लिए सिलेक्ट किए गए और उन्होंने बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन भी किया, जिसकी वजह से वो फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। शो में उनके किरदार को खत्म कर दिया गया है और इसीलिए वो अब टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। और यहाँ भी उनकी जर्नी लंबी होने वाली है, ये उनके परफॉर्मेंस को देखकर समझ आ रहा है। बिग बॉस के घर में अंकित गुप्ता की एंट्री प्रियंका चहर चौधरी के साथ हुई है, जो उड़ारिया में तेजो के किरदार में उनके साथ अहम भूमिका में नजर आई थी। दोनों की जोड़ी को टीवी पर काफी पसंद किया गया। दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी कमाल की है और खबर ये भी है कि दोनों ऑफ स्क्रीन भी अच्छी बॉन्ड शेयर करते हैं। दोनों के प्यार भरे रिश्ते को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन दोनों फिलहाल एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं और अपने रिलेशनशिप स्टेटस को किसी भी प्रकार का नाम नहीं देना चाह रहे हैं। बिग बॉस के घर में अंकित गुप्ता ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तब उन्हें देखकर जर्नलिस्ट सवाल किया करते थे कि आखिर आप इतना चिल कैसे रहते हैं, क्या ऑडिशन का स्ट्रेस आपके दिमाग पर नहीं होता। तो अंकित गुप्ता ने उन्हें बताया कि ऑडिशन ये जीवन का एक हिस्सा है, इसमें इंसान पास या फेल हो सकता है, लेकिन उसे जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अंकित गुप्ता का यही मंत्र उनके काम आया है और वो आज टीवी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम बने हुए हैं। अब देखना ये होगा कि बिग बॉस के घर में वो किस फॉर्मूले को अपनाते हैं और बिग बॉस के घर में उनकी जर्नी आगे कहां तक जाती है। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुँचाएं।